और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार मिली। गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मैच को देखने के लिए देश भर से काफी ज्यादा मात्रा में लोग देखने के लिए आए थे और साथ ही साथ देश भर से वीआईपी पहुंचे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में गए थे। हालांकि अब उनके इस दौरे को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के मैच देखने पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्दे के पीछे गेम प्लान यहां पर चला रही थी कि भारतीय टीम जीते तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खुद पीएम मोदी मौजूद हो। राउत ने कहा कि अगर आप कपिल देव को नहीं बुलाते हैं तो ये क्रिकेट किस तरह से हुआ, ये तो राजनीति हुई। यहाँ पर भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन और भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव ने कहा कि उन्हें मैच देखने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जिस वजह से वो यहाँ नहीं पहुँचे। संजय राउत ने आगे कहा कि एक्ट्रेस को मैदान में मैच देखने के लिए बुलाया गया, नेताओं को बुलाया गया, लेकिन कपिल देव को फाइनल देखने के लिए आमंत्रित यहां पर नहीं किया गया। उन्होंने अहमदाबाद के क्रिकेट फैंस पर भी सवाल उठाया और कहा कि जिस तरह से इंग्लैंड में लॉर्ड्स का मैदान है, वैसे ही मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। मैच वानखेड़े जैसे स्टेडियम में होना था, जहां टीम को ज्यादा सपोर्ट मिलता, साथ ही साथ भारत की हार का असर सबके दिल पर यहाँ हुआ है। सीधे तौर पर अगर यहाँ पर बताया जाए तो जो संजय राउत है अक्सर वो भाजपा के ऊपर हमला करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर संजय राउत का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच क्यों करवाया गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीएम मोदी पहुंचे, इसी वजह से भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पर कहूँ तो संजय राउत के साथ विपक्षी नेता ऐसे है जो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को पनौती साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मीम्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं राउत से ही कि पीएम मोदी गए इसलिए भारत को यहाँ करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पीएम मोदी के जाने से भारत को हार का सामना करना पड़ा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और देखते रहिए SPN 9 News। धन्यवाद।